वेलकम बैक टू द शो जी। शायद साहब आप कुछ कह रहे थे, आप कंप्लीट कर ले। आप कह रहे थे कि आप पीटीआई कोई सिंध में एडिशन कर दिया कि पीटीआई सिंध में नहीं है। मैं बिल्कुल यही कह रहा था, मैं ये कह रहा था सोशल मीडिया पे तो जाहिर है, मैं तो फेसबुक पे तो वो हर जगह है। मैं तो डिफेंड नहीं करूंगा कि पीटीआई है या नहीं है। इदारों से लड़के वो कह रहे हैं कि हम सिंध में स्पेस बना लेंगे। वो इदारों के साथ भी थे तो सिंध में इतना नहीं था उनका। जब इदारे तब नहीं था तो अब क्या होगा। इदारे थे भी तो वो नहीं। मगर मैं एक बात समझ रहा हूँ कि इमरान खान का जो हो सकता है वो गेंद घूम जाए। देखें ना, हम ये कह नहीं सकते ना कि इदारे जो है वो कल तो मरियम नवाज शरीफ, अल्लाह ताला के अलावा गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं। वैसे हम एक कॉमन सेंस की भी बात करें ना, हम अगर वैसे ही देख लें तो 6 महीने पहले मरियम नवाज शरीफ इदारों को गालियां देती थी ओपनली। और तो वो वहीं पे है, नहीं उसे लिफ्ट कौन करा था? अरे सर, शहबाज शरीफ को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आप कह रहे हैं मरियम वहीं पर है। क्या मतलब कि नून लीग है ही नहीं? क्या नवाज शरीफ ने जो है ना वो गालियां नहीं दी? नहीं, मैं नवाज शरीफ ने तो नाम लेके गालियां दी। देयर वाज ऑलवेज अ डिवीजन बिटवीन द शीन एंड द मीम एंड द शीन विद इट्स कंडक्ट, द शीन विद इट्स मैच्योरिटी, द शीन विद इट्स इंटेलिजेंस, द शीन विद इट्स introspection was always looking towards the institutions, not once, not twice, not thrice. There are hundreds of instances which I can show you from the newspapers as a matter of record, as a part of the record. Nein, but where if the sheen where the sheen had taken a clear line, a clear stance that Pakistan Muslim League Nawaz is not going to fight with the institutions, let alone leave the word fight. I remember. मगर बात देखे ना, कंक्लूड करें ना, ये हमारा टॉपिक नहीं है, मगर हम कंक्लूड तो करें ना इसको। मैं सिर्फ मुझे नून लीग को तो हुकूमत मिली ना, 10 सेकंड इधारों ने तो नून लीग को तो हुकूमत दी ना, ये तो नहीं है ना कि शहबाज शरीफ को नहीं। के लिए भी रेडी थे कि खान साहब रिजाइन कर दें तो पीटीआई से कोई एक कंसेंसस कैंडिडेट आ जाए, वो आ जाए। हमारा डिस्कस वो नहीं है, हम कह रहे हैं कि कल उनके साथ नहीं थे, आज बन गए। आज मैं कल हो सकता है पीटीआई के साथ फिर बन गए। नवाज के साथ कोई नहीं है, मरियम नवाज तो अपने चाचे को बैठी भी इस वक्त डिस्टेबलाइज कर रही है। शी इज एन इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर। आई विल से इट आउट राइटली, आई नेवर से दिस अबाउट एनी पॉलिटिकल लीडर, बट आप मैच्योर किस शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं? मच मोर मैच्योर देन सर। कहां कहां से पहले दिन आके उन्होंने तकरीरें की, सैलरी बढ़ गई। क्या हुआ ये तो पहले नहीं था गैलरी सर? ये तो आप मैच्योरिटी की बात करें, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। क्वालिटी ये पहले दिन आके तकरीर कर रहे हैं कि भाई अब ये जो है ना सैटरडे को भी खुल गया, फिर दूसरे दिन उनको समझाया गया कि सर आप कहां खड़े, आप वजीर आजम थे। बात नहीं समझे आप, मेरी बात नहीं समझे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल क्वालिटी एंड, वो बाद में बात करेंगे, एंड बिटवीन मैच्योरिटी। व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी इज नोइंग योर बैटल्स, किससे मुझे लड़ना है, किससे मुझे नहीं लड़ना, किस टॉपिक पे मुझे खामोशी इख्तियार करनी है, किस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, इसको मैच्योरिटी कहा जाता है। और आप जो मर्जी देखें, देखें मैं और आप और हम सारे बैठ के कहें को नहीं यार वो बड़ा इमेच्योर है, उसको कुछ आता नहीं है, वो देखें किस जगह से उठ के, यानी उसका भाई नहीं चाहता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, जो इदारे नहीं चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, खान साहब नहीं चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो आखिर रास्ता निकाल कह रहे थे ना मुझे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाउ कैन वी से दैट ही इज नॉट मैच्योर इनफ, एंड दैट इज द सेम थिंग कि जब वो खान साहब के बारे में लोग कहते हैं कि इसको तो पॉलिटिक्स नहीं, एबीसी नहीं पता। देखें तो मैं यही कहता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, उसको एबीसी नहीं पता, और तू यहां बैठ के हाईकोर्ट के बाहर चने बेच रहा है और तुझे तू कह रहा है कि जो वो खान साहब को एबीसी नहीं पता। तो ये तो मैं अक्सर जो है ना मेरी इस तरह की बहस हो जाती है। लेकिन अगर मरियम जरदारी की ये डील थी, जरदारी का सारा कुछ है वो तो, अगर मरियम साहिबा थोड़ी देर के लिए चुप इख्तियार कर लें, जो कई दफा पार्टी ने उनको बड़ी मुश्किल से करवाया है, डोन लीक्स के वक्त चुप करवा के बिठाया था, जिस वक्त ये दोबारा हुकूमत बन रही थी उस वक्त उनको पीछे कर दिया था, किसी मीटिंग के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अब वो जाहिर है चूंकि उनकी हुकूमत है और वो जाहिर है नवाज शरीफ साहब की एक बेटी हैं, बेटियां लाडली होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो जो उनके मुंह पे आता है वो आके कह देती हैं। लेकिन इस वक्त भी वो अपने चाचू की जो एक हुकूमत है उसको बैठ के डिस्टेबलाइज कर रही हैं। जब आप बार बार बाहर निकल के कहती हैं कि इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें, और फिर नंबर टू उनका जो नैरेटिव है उनको ये लगता है, सनावला ने भी कहा है कि अब वी आर रेडी, कि अब इस साल तो जाहिर है एक पॉलिसी हुकूमत की जो भी होगी वो एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन जिस तरह मरियम नवाज शरीफ
शुरू करती हैं इमरान 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 इमरान, पूरी तकरीर इमरान पे कर जाती है, दिस इज़ नॉट द वे टू बिकम फेमस। और वो मुझे सिद्धू मूसे वाला एक इंडियन सिंगर था, शायद आप उसको जानते हो, उसकी अभी अभी डेथ हुई है। तो मर्डर किया गया। वो जब शायरी लिखता था तो वो कहता था कि उसने लिख के गया था कि कुछ यहाँ पे आते हैं तेरा नाम लेके फेम हासिल करने के लिए। तो स्ट्रेटेजी मुझे कोई मैच्योर बात शहबाज शरीफ की तकरीर में से इमरान को आपने क्या एक्सक्लूड कर दिया है? नहीं देखें, वो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज ना करे। नहीं, मैंने कोई ऐसी तकरीर नहीं देखी है जिसमें तकरीर में बैठ के इमरान खान के होगा, वो मेन पॉलिटिकल ओपोनेंट है इस वक्त। नहीं, लेकिन वो एक चीज है कि यू स्टार्ट फ्रॉम इमरान, then you go to Farah, then you go to Bushra Bibi, then you go back to Imran, then you go to Bushra, then you go to Farah, then you go to Imran. There is a difference between that takreer. और फिर आप जो मर्जी कहें, ये कहना कि मैं कपड़े बेच के आटा दे दूंगा, आप कहें कि हाँ यार ये कोई करने वाली बात नहीं थी, आप कहें कि beggars के not be choosers, आप कहें ये करने वाली बात नहीं थी, आप कहें कि लाल काले में घसीटेंगे, आप कहें कि ये हम कर देंगे। अभी रिसेंट वाला आप देखें ना, आप ये भी बेशक कहें कि मैं टर्की गया तो वो समझे मैं मांगने आ गया, लेकिन मैंने कहा अभी थोड़ी सी हमारी मदद कर दें, ये भी कोई बात करने वाली नहीं थी। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की तरह वो भी पर्ची लेके गए तो पर्ची में क्या मसला है यार, पर्ची से आप लोग क्यों घबराते हैं? नहीं, हम क्यों घबराएंगे सर पर्ची से? पर्ची मगर वो वहाँ वो जो पर्ची जो पढ़ने की है ना, वो पढ़ भी तो नहीं सकते है ना, वहाँ वो तैयब अर्दगानी जो देख रहा था, कोई 5 मिनट उनको देखते रह गया। अब वो बात तो करे यार, कुछ कहे तो सही, वो पर्ची को मुसलसल पढ़ रहे हैं कि कौन सी बात कर, ओबामा की तरह, जिस तरह ओबामा के साथ नवाज शरीफ ने किया था, इस तरह ये हो जाता है। अच्छा, दो चलो हम आगे तो बढ़ते हैं ना, कहां से टॉपिक हमारी क्या थी और निकल रहा है, मैं बात कर लूं फिर हम आगे, फिर आप डिफेंड करेंगे नून लीग को? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये शहबाज शरीफ को करेंगे कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लीडरशिप लेवल के ऊपर जो है ना शाहिद साहब, लीडरशिप लेवल के ऊपर बड़ा जरूरी है कि जो दिल में आए वो बात ना कर दी जाए। इस वक्त मैं इस प्रोग्राम में बैठा हूँ, मेरे दिल में जो आ रहा है मैं कह रहा हूँ, लेकिन कल को अगर मैं किसी हुकूमती ओहदे के ऊपर हूँगा तो मुझे बड़ा केयरफुल रहना है कि मैं ए कह रहा हूँ, बी कह रहा हूँ या सी कह रहा हूँ। पर्ची लेके पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बोरिस जॉनसन भी पढ़ता है, जी चिंगपिंग भी पढ़ता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बात असल में ये है कि जो सीरियस और मैच्योर इश्यूज हैं उनको हमने सीरियस और मैच्योर इश्यूज की तरह ट्रीट करना है। दिस इज नॉट अ सनी देओल फिल्म, दिस इज नॉट अ टाइगर श्रॉफ फिल्म कि वो प्राइम मिनिस्टर की दबंग एंट्री से दुनिया परेशान हो गई और इतना खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर बरतानिया की खवातीन पागल हो गई। दिस इज नॉट फनी बिजनेस, दिस इज नॉट शोबिज, दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस, इट हैज टू बी वेरी सीरियस। और मैं समझता हूँ कि उस जामिन में मैं बस आखिरी बात कह दूँ कि पर्ची से पढ़ने को डेप्रिशिएट ना करें, पर्ची से पढ़ने को अप्रिशिएट करें। अब आप आ जाएं, जो दूसरा टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं उस पर आ जाएं। अप्रिशिएट क्या करें कि पर्ची से पढ़ना जो है ना वो उनकी काबिलियत दिखाता है, या पर्ची से पढ़ना जो है ना वो देखें, वो कहते हैं ना कि दुनिया आपकी ये नहीं देखेगी आपने मेहनत कितनी की, दुनिया आपकी देखेगी आप काम क्या कर रहे हैं, सक्सेस रेट आपका क्या, यही है ना। आपने भी वही बात कही कि भाई आप जाके बाहर होके आ गए, तुर्की से होके आ गए, उससे पहले गए, तो आप लेके क्या आए, आपने डील क्या की, आपने क्या पाकिस्तान को बेनिफिट दिया, पाकिस्तान को किस तरह आपने मामलात ठीक है, आंधी कंट्री आप जो है ना एब्सकॉन्डर्स को साथ लेके घूम रहे हैं यार, ये पिछली मर्तबा भी आपने एब्सकॉन्डर्स को बिठाया, कितनी आज भी की बात है। आज भी कल भी शहबाज शरीफ साहब ने एक एब्सकॉन्डर बेटे को बीइंग द प्राइम मिनिस्टर आपने डायरेक्ट बिठा दिया। नहीं, इस दफा बढ़ गए बेटे से अब बहू की तरफ भी आ गए। अभी जो तुर्की में मीटिंग हुई है सर, तुर्की में कोई 6 बंदे बैठे हैं, वही बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली वही जो वहां बैठ के बिजनेस मीटिंग हो रही थी, यही मुझे, और ऑफिशियल मीटिंग है भाई विद प्राइम मिनिस्टर, आपकी पर्सनल जो है ना वो नहीं है, क्योंकि टेबल पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, तैयब अर्दगान साहब बैठे हुए हैं, फिर उनकी जो है ना वो फर्स्ट लेडी बैठी हुई है। आप ये देखिए शाहिद साहब, अच्छा फर्स्ट लेडी के साथ उनकी बहू बैठी हुई है, आप ये फिर उनकी बहू के साथ उनका बेटा यहाँ बैठा हुआ है। आप ये देखिए कि इसकी दो चीजें हमें निकलती हैं, एक तो शरीफ खानदान पे बार बार ये तनकीद हो रही है, और ये तनकीद 100% सच है कि वो अपने लोगों को अपना नौकर समझते हैं, वो वाकई अपने आप को पाकिस्तान के शाही खानदान समझते हैं, और इसी वजह से वो अपने जो ताल्लुकात है ना फॉरेन डिग्निटरी से वो पर्सनल रखते हैं।
वो कंट्री के ऊपर नहीं रखते, हर बंदे से पर्सनल रख देते हैं और वो शुरू कर देते हैं और बिजनेस की बातें शुरू कर देते हैं। बात नंबर वन ये हुई, और बात नंबर टू ये हुई कि जब हम लॉ स्कूल में जाते हैं तो पहली चीज हमें यह पता लगती है कि जो लीगल इंटरप्रिटेशन है, जो डिक्लेरेशन है, वो कोर्ट से आते हैं, लेकिन उनको इन्फोर्स कराना होता है एग्जेक्टिव ने। आपका बेटा एब्सकॉन्डर है, बेटा हो बेटी हो, हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि अगर मेरी अपनी बेटी भी चोरी में मुलव्वस हो तो भी मैं जो कानून के मुताबिक सजा बनती है उसको एग्जीक्यूट। ये मुसलमानों की तारीख रही है, और यहाँ पर एक एब्सकॉन्डर बेटा, हम तो फॉलोअर हैं ना, एब्सकॉन्डर बेटा, मैं मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, नहीं सुने आपकी बात को सपोर्ट करूंगा, एक एब्सकॉन्डर बेटा जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया हुआ है, और जो जिम्मेदारी है ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ टू नैब हिम, ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट्स टू फेस ट्रायल, वो उनको लेके जा रहे हैं और फॉरेन डिग्निटरीज से उनकी मीटिंग्स करवा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि पिछली इनकी हुकूमत में 2018 तक तो इन्हीं की हुकूमत थी ना, और इनका इंटीरियर मिनिस्टर कौन था? चौधरी निसार अली खान। चौधरी निसार अली खान ने अल्ताफ हुसैन के लिए लिख दिया था बाहर से बुलाने के लिए कि जनाब ये यहाँ पे हमारे कोर्ट्स में एब्सकॉन्डर हैं और ये इस तरह तकरीरें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको हमें गिरफ्तार करके दे दें। आप जब खुद की हुकूमत एक एब्सकॉन्डर को आप कर रहे हैं कि भाई उनको लिए लिख रहे हैं कि भाई ये हमें दे दें, और दूसरे एब्सकॉन्डर को आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मकसद आप बड़े धड़ल्ले से जाके उन बेटे से आप मिले, भाई आप ऑफिशियल तो ना मिले ना, और बार बार पहले आप उन्हें हज पे वो उमरा पे ले गए, उमरा पे ले गए, ये क्या बात हुई यार? सर उमरा पे तो ना सिर्फ उनको लेके गए मगर पूरी एक पलटून लेके गए। नहीं लेकिन एब्सकॉन्डर्स को तो ना लेके जाते ना, देखें बाकी तो मेरिट्स के ऊपर बात चलती रहेगी, लेकिन और दूसरे मुल्कों से, अच्छा वो सऊदी में भी नहीं रहता है, तुर्की में भी नहीं रहता है, चलो भाई आप वहां चले गए यार बाप बेटे से मिलने आ गए, वो भी नहीं है, आप ये है कि आप दूसरी कंट्री से उनको बुलाते हैं वहां पे, आप वहां फिर अपने साथ बिठाते हैं कि भाई ये मेरा बेटा है, क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे आप कि मेरा बेटा जो है वो एब्सकॉन्डर है? मैं एक अनफॉर्चुनेट आप नवाज शरीफ साहब से मीटिंग करने गए वहां पे, आप किससे मीटिंग करने गए? टॉपिक पे एब्सकॉन्डर से मीटिंग करने गए, एब्सकॉन्डर का किसने अंडरटेकिंग दी थी? आई विल प्रोड्यूस हिम, इसी प्राइम मिनिस्टर ने। हम फिर टॉपिक पे वापस आते हैं, लेकिन मैं जाते जाते एक आखिरी बात मैं कर जाऊं, ये जो, और फिर ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, ब्रेक ले लें, फाइनल मैं एक कमेंट ये करना चाहता हूँ कि ये हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये बड़े मासूम हैं, और कई दफ़ा मुझे देख के बड़ा दुख होता है। एक वो एब्सकॉन्डर बेटा जो कहता है मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, वो जो है प्राइम मिनिस्टर उसका बाप होता है तो वो उसको ले जाता है ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर, और दूसरा जो एक लीडर कहता है कि मैं हकीकी आज़ादी पाकिस्तान को दिलानी है, वो भी अपने बच्चों को नहीं बुलाता कि मेरे साथ मार्च में आओ, वहाँ यहाँ टीयर गैस और लाठियाँ ये बेचारे पाकिस्तान के बच्चे खाते हैं, उसके बच्चे यूके में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं और वो कंटेनर में बैठ के इंजॉय कर रहा है। ब्रेक का टाइम हो गया, इस पे हम कंटिन्यू करते हैं। टेक अ ब्रेक।